दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पॉस मशीन आप अपने शॉप में लगा करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो पॉस मशीन बहुत ही काम की होती है, जैसे कि इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आप वहाँ पे स्वाइप कर सकते हो। जिससे कि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन जो सर्विसेज चालू हो सकती है, जैसे कि UPI, पेटीएम हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ़ोनपे हो गया या पेटीएम है, UPI, सभी बैंकों के लगभग UPI जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं। वैसे भी अगर आप किसी भी बैंक का UPI अगर आप यूज़ करते हो तो आपको भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज बात करने हैं आप किस तरह से पॉस मशीन आप अपने जो शॉप है, शॉप में आप किस तरह से मंगवाएंगे, किस तरह से आप फ्री में लगवा सकते हो, इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल एक और। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली आप इस तरह से रेड कलर के बटन पे क्लिक करके भी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये URL है mab.sbi.co.in। तो सिंपली ये URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली आपको इस URL पे क्लिक करके आप इस होम पेज पे आ सकते हो। तो उसके बाद देखिए, जैसे कि इसमें पॉस के बहुत सारे यहाँ पे जो टाइप है, टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पॉस टर्मिनल टाइप। तो इसमें सबसे जो एक नंबर पे आता है वो आता है PSTN, उसके बाद डेस्कटॉप GPRS, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्टेबल GPRS जो कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, उसके बाद मोबाइल पॉस जो कि आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से इस तरह से पिन पैड डिवाइस आता है इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद ECR बेस्ड टर्मिनल, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो ATM कार्ड्स में आप इस तरह से एक चिप देख सकते हो, जैसे सिम कार्ड की जिस तरह से चिप होती है उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से भी कुछ पॉस टर्मिनल अभी लॉन्च हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक डेस्कटॉप GPRS, उसके बाद बायोमेट्रिक पोर्टेबल GPRS। ये दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपको ये जो डेस्कटॉप वाला है जो ये डेस्कटॉप से कनेक्ट करके रखना होगा, और जो ये पोर्टेबल जो यहाँ पे डिवाइस दिया हुआ है, ये डिवाइस आप अपने कहीं पे भी आप उसको ले जा सकते हो। जिस तरह से आप अपने मोबाइल जिस तरह से आप हैंडल करते हो, उसी तरह से आप इस पोर्टेबल GPRS डिवाइस को भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए, इन्हें कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो ये की फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख, सबसे जो इसका फीचर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, पावर ऑफ नेशन वाइड नेटवर्क फ्रॉम मोस्ट ट्रस्टेड बैंक। तो ये आपका नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये पॉस मशीन दिया जा रहा है, जिसके अंदर जो सेकंड जो इसका फीचर आएगा वो आएगा इंक्रीज सेल्स टू मर्चेंट। इसमें आप भी अपनी सेल्स को भी बढ़ा सकते हो, या आप इसमें जो अलग आप इसका अगर यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि नॉर्मली आप इस पॉस डिवाइस को एज ए कस्टमर का ATM कार्ड्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर आप इसको उस तरह से यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आप जिस तरह से स्वाइप करता है कस्टमर, तो आप उसको कैश में कुछ पेमेंट दे सकते हो, और आप अपना अगर कुछ उसमें चार्ज लेना चाहे तो आप इसमें ले सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आप करना चाहते हो तो आप उस तरह से भी इसमें कर सकते हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस डिवाइस का किस तरह से यूज़ करते हो। तो उसके बाद कि यहाँ पे नो कैश हैंडलिंग, नो थेफ्ट, नो बार्ग से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी कैश यहाँ पे संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही इसको कोई चोरी होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सब जो बैलेंस है वो सिर्फ एक यहाँ पे आपको डिवाइस के थ्रू यहाँ पे ये बैलेंस आ रहा जा रहा है। इसमें आपको कोई भी यहाँ पे कैश की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से अगर आपका जो भी बैलेंस है वो बैलेंस आपके ID के अंदर ही हो, वो बैलेंस दिखाएगा, आप उस बैलेंस को जो है किसी तरह से निकाल नहीं सकते। वो आपके जो बैलेंस है, आपका बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। कोई अगर कोई इस मशीन को चोरी भी करके ले जाए तो आपको इस मशीन से कोई नुकसान होने वाली बात नहीं होगी। उसके बाद इसमें जो यूज़ की जा रहा है डिवाइस वो लेटेस्ट होगा, जिसमें GPRS इंक्लूड होगा। तो आप यहाँ पे सभी जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह पे GPRS लिखा हुआ है। उसके साथ ये डिवाइस आता है NFC इनेबल टर्मिनल। तो मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे भूल गया, NFC जिससे से आप जानते हो कि बहुत सारे सैमसंग के मोबाइल्स के अंदर NFC मोड दिया जा रहा है, जिसमें
जो कि बड़े बड़े डिवाइस है, जिसमें आप जो नया डिवाइस लॉन्च हुआ है J6, उसके साथ साथ जो डिवाइस थे बड़े बड़े, जिसमें जो महंगे डिवाइस थे जैसे कि S6S की जो सीरीज़ थी, या बहुत सारे और भी डिवाइस, उस डिवाइस में भी ये NFC जो मोड है वो NFC मोड दिया हुआ है, जिसके माध्यम से कार्डलेस भी आप इस पॉज मशीन के द्वारा जो एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर कस्टमर कार्ड भी ना लाए तो NFC मोड के ज़रिए आप कस्टमर का जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर नहीं होगा, इसकी कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं दी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 24/7 × 365, मतलब आप साल में किसी भी वक्त, चाहे दिन हो चाहे रात हो, रात को आप 2 बजे भी कस्टमर केयर कॉल करके इसकी ट्रेनिंग जो ले सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप वहाँ पे सपोर्ट ले सकते हो। कस्टमाइज रिपोर्ट एट पीरियोडिक इंटरवल्स, यहाँ पे साफ से लिखा हुआ है कस्टमाइज्ड। अगर आप जब चाहे इसका कस्टमाइज आप रिपोर्ट ले सकते, जिस तरह से अगर आप वहाँ पे अगर कुछ सेट करते हो, जैसे कि आपको जो आपका रिपोर्ट है कस्टमर किस बेसिस पे जाए, अगर डेली लेना चाहो डेली आप यहाँ पे रिपोर्ट ले सकते हो, या मंथली वीकली जिस तरह से अगर आप लेना चाहते हो उसी तरह से आप इसका रिपोर्ट ले सकते हो। तो अगर आपने पहले से पॉज डिवाइस ले रखा था, आप सिंपली यहाँ पे मर्चेंट लॉगिन पे क्लिक करके पॉज टर्मिनल क्लिक हियर पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप नया डिवाइस ले रहे थे, आप सिंपली न्यू मर्चेंट पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए आपको ये रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज में, जिसका यूआर होगा mab.sbi.co.in/mu/newmerchant/newrequest.xhtml। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका मर्चेंट नेम देना होगा, उसके बाद सिंपली बिल्डिंग का कुछ अगर नेम है तो नेम देना होगा, उसके बाद स्ट्रीट नेम, उसके बाद लैंडमार्क, कोई भी अगर आपके पास लोकेशन में कोई जानी पहचान अगर बिल्डिंग है, या स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स या कोई बैंक, यहाँ पे आप वो नोट कर सकते हो। देखिए आप लिखा हो साफ साफ, दिस इज इंफॉर्मेशन विल बी प्रिंटेड ऑन चार्ज स्लिप। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हो वो आपके चार्ज जो स्लिप होगी उस चार्ज स्लिप पे प्रिंट आएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ चार्ज स्लिप, हो सकता है इसका कोई चार्ज भी देना पड़ सके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप सिंपली स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो जिस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जब आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर महाराष्ट्र और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद पिन कोड, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट नो पे क्लिक किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करते हो तो देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद सेटलमेंट अकाउंट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद देखिए यहाँ पे CC अकाउंट, करंट अकाउंट, या किस तरह से आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या आपको यहाँ प्रेफर्ड ब्रांच ब्रांच आपको यहाँ पर लिखनी होगी कि आपकी जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर, ऑफिस का कुछ अगर आपका नंबर है, जैसे कि लैंडलाइन कनेक्शन अगर आपने लिया हुआ है तो उसका आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। उसके बाद मर्चेंट ईमेल आईडी, तो यहाँ पे मर्चेंट ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जिसमें आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी विल बी यूज्ड फॉर सेंडिंग अलर्ट एंड हिंस डिसाइड। तो आपको सिंपली ये मेल एड्रेस पे आपको, जैसे कि SBI बैंक की तरफ से कुछ मेल भी यहाँ पे भेजे जाएंगे, जिसके माध्यम से इसमें कोई नई सर्विस लॉन्च हुई है, कुछ नए ऑफर्स आए हुए हैं, आपका जो ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको इसी मेल एड्रेस पे यहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। उसके बाद कि यहाँ पे एवरेज ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिन में कितना हो सकता है, और आपको जो एक्सपेक्टेड है, मतलब आप कितना जो नंबर ऑफ पॉज टर्मिनल, आप कितना पॉज टर्मिनल आप लेना चाहते हैं, जैसे कि 1, 2 या उससे अधिक भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना होगा, उसके बाद सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करता हूँ, उसके बाद देखते हैं किस तरह से अगला पेज ओपन हो जाता है। तो ये देखिए उसके बाद अगला पेज जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड,
सून यू विल रिसीव ई मेल फ्रॉम SBI। तो उसके बाद तुरंत ही आपको एक SBI का मेल, आपको एक जिस मेल एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपने, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मेल एड्रेस, तो इसी मेल पे आपको यहाँ पे एक मेल आ जाएगी जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स जो आपने यहाँ पे फिल की थी, जिस तरह से मर्चेंट नेम, उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच का कोड, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जनरेट हुई है अपने यहाँ पे, ये सभी आपको मेल एड्रेस पे भेज दी जाएगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक मैनेजर्स या बैंक की तरफ से आपको कुछ कॉल मिल सकता है, या बैंक विजिट कर सकते हो कि हमने ये एक रिक्वेस्ट दी हुई है, तो इस रिक्वेस्ट को किस तरह से आगे फॉलो करना होंगे, कुछ रूल्स अगर होंगे तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। और उसके बाद आपको SBI की तरफ से POS मशीन दी जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने शॉप पे, मर्चेंट पे POS मशीन लगा सकते हो, और आपके जो कस्टमर है वो कस्टमर को भी आप POS मशीन यूज़ करने के लिए इनक्रेज कर सकते हो। आज की वीडियो बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।